होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है द रेशो ऑफ, द रेशो ऑफ ऑफ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट सिग्नल, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल कितने जल्दी वो रिस्पॉन्स कर रहा है, कहने का मतलब ये हुआ। अगला डेफिनेशन आप, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले लिखवा दे रहा हूं, ठीक है? तो आज की क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, कल की क्लास में हो सकता है मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूं, ठीक है? तो आप अभी इंपॉर्टेंट लिख लो क्या क्या आ सकता है। एक क्वेश्चन आपको आ सकता है यहां से, रिप्रोडक्टिबिलिटी, चौथा आ सकता है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या होती है, ड्रिफ्ट के बारे में आपको इस पहली यूनिट से लिखने के लिए आ सकता है, जैसे जीरो ड्रिफ्ट क्या होती है, स्पान क्या होता है, ठीक है? एक आ सकता है आपका स्टैटिक एरर के लिए, स्टैटिक एरर के लिए, ये चीजें आप थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो लाइन इसके बारे में पढ़ लो। इनके अलावा एक है प्रिसीजन, प्रिसीजन प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन तो पहले क्वेश्चन के लिए तो इतनी चीज आप अच्छे से कर लो। और एक है रिसोल्यूशन, रिसोल्यूशन देखो एक क्वेश्चन तो आपको इनकी डेफिनेशन के लिए मिलना ही मिलना है, ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर टू लिखो, ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया जिसमें डेफिनेशन आएंगी इन सबकी, क्वेश्चन नंबर टू लिखो, वॉइस नहीं आ रही क्या, वॉइस नहीं आ रही क्या, बाकी स्टूडेंट बताए मुझे। वॉइस आ रही कि नहीं मेरी, दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा लोडिंग इफेक्ट, लोडिंग इफेक्ट, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन कहां से आएगा, लोडिंग इफेक्ट से, ठीक है? लोडिंग इफेक्ट क्या होता है ये बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है इसके बारे में। अब एक क्वेश्चन आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ एरर, पहली बात एरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर ये अच्छे से कर लेना। इसमें जैसे एरर आती है, जैसे पहले आता है ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर, दूसरी होती है सिस्टमेटिक एरर, इसके अंदर आता है आपका सिस्टमेटिक अंदर आता है, जैसे आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाती है, जो इंस्ट्रूमेंट के कारण आती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर जैसे इन्वायरमेंट अगर खराब हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, घट हो जाए, इसके कारण हमारे इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत आ जाती है, इन्वायरमेंट कुछ इंस्ट्रूमेंट के कारण भी हो सकती है। तीसरी इसी में आती है सी नंबर में, रैंडम एरर, रैंडम एरर, ठीक है? तो ये तो हो गया एरर, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
एरर से भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। इतने क्वेश्चन तो आपको पहली यूनिट से करके जाना है, ठीक है। फिर आ जाओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन इनके अलावा आता है, अगला आपका क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन लिख लो, अगला क्वेश्चन है आपका कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन अब कैलिब्रेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन क्या होता है, ये सब चीजें कैलिब्रेशन के बारे में आपको अच्छे से जानना है। लेने का तरीका आपको कैलिब्रेशन का आपको शुरू का कम से कम 15 लाइन आपको सही होंगे, मतलब आप एक पेज तो आप सही सही लेंगे, जैसे आप अक्सर गलती कर रहे हैं कैलिब्रेशन में, इसमें डेफिनेशन देंगे। अगर इसमें कोई डायग्राम होता तो आप प्रॉपर एक डायग्राम बनाते, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद हो सकता है उसकी एक दो इक्वेशन आए, तो वो इक्वेशन मेन बात क्या है बच्चे, इसमें आप क्या करते हो, पीएचडी करने लगते हो, मतलब बहुत डिटेल में पढ़ने लगते हो। हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमको अब तो पेपर जैसा आना है उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। जैसे आपके क्वेश्चन क्वेश्चन आपको पता है, आपको पता है कैलिब्रेशन कर्व आए, तो मैं कैलिब्रेशन कर्व में 5-6 लाइन सही सही क्या लिख सकता हूँ। आप लोगों को सबसे पहले वो चीज पे टारगेट करना चाहिए, फिर उसका डायग्राम क्या होना चाहिए, उसकी वेव फॉर्म क्या है, उसकी इक्वेशन क्या है, ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेन बात आपको डायग्राम पर फोकस करना है, वेव फॉर्म पे फोकस करना है और इक्वेशन पे फोकस करना है, ठीक है। जैसे यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो कह रहे थ्योरी क्वेश्चन है तो यहाँ चल जाएगा, लेकिन आगे मैं जब बताऊंगा, जैसे अभी हम पीएमएम से इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे, पीएमएम से इंस्ट्रूमेंट की फुल फॉर्म क्या होता है, उसका डायग्राम क्या होता है, फिर उसकी वर्किंग क्या होती है, ठीक है। तो हमको इस सिद्धांत पे काम करना पड़ेगा जब हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन आया था कैलिब्रेशन कर्व क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय कैलिब्रेशन कर्व, और एक्सप्लेन लोडिंग इफेक्ट ड्यू टू शंट कनेक्टेड एंड सीरीज कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट। अब देखो दो क्वेश्चन इसमें जुड़ गए हैं, अभी जैसे मैंने बताया था लोडिंग इफेक्ट, अब लोडिंग इफेक्ट में ही क्वेश्चन जोड़ दिया उनने, क्या सीरीज कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट में क्या ऐसा होता है, ठीक है। सीरीज कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट के कारण, और दूसरा शंट कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट के कारण, शंट कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट के कारण कैसा होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पहली यूनिट से इतने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप अच्छे से कर देना। मैं कल इनका क्वेश्चनों का बहुत डिटेल में एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जैसे एक्यूरेसी क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होती है, रिलेबिलिटी क्या होती है, ये सब चीज। अब थोड़ा सा मैं इनमें कैलिब्रेशन कर्व के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो इनको, आपको हर क्वेश्चन को एक एक पेज में लिखना है। पहले तो जैसे एक कैलिब्रेशन कर्व को मैं एक पेज, सिर्फ एक पेज के लिए मैं क्या पढ़ूंगा, एक्यूरेसी की 4 लाइन में क्या सही से लिख सकता हूँ, सेंसिटिविटी की 2 लाइन में सही से कैसे लिख सकता हूँ, लोडिंग इफेक्ट को मैं 2-3 लाइन में सही सही कैसे लिख सकता हूँ, क्या मेन बात आपको पहले सही सही तो आना चाहिए, ठीक है। अगला अगला यूनिट से देखो आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन छप गया है मान के चलो, कौन सा क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर।
डी आर्सनोवल गैल्वेनोमीटर, ये छप गया ये मान के चलो, बहुत बार आया है। ये अच्छे से कर लेना। और दूसरा पीएमएमसी, इसका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लें। पीएमएमसी क्या होता है, इसका डायग्राम क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें कोई वेरिएशन है ही नहीं है, क्वेश्चन आना ही है। इसका डायग्राम आपको पहले, आपको चार पांच लाइन सही सही इसकी आनी चाहिए, इसका डायग्राम आना चाहिए, इसकी वर्किंग से ठीक है, प्रिंसिपल सिद्धांत जो इक्वेशन आती ना, इसकी इक्वेशन क्या आती है बिना, ये होती ना, टीडी बराबर, ठीक है। और टीसी बराबर के थीटा, इक्विवेलेंट में हम दोनों को बराबर कर देते हैं, टीडी बराबर टीसी, तो बी आई एन ए बराबर के थीटा, ऐसे करना रहता है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इस सिद्धांत पे आपको लिखना है क्या क्या आपको इसमें, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ज्यादा डिटेल में मत जाना, ठीक है। इस यूनिट से आपको ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। फिर इसके अलावा अगली यूनिट अगर आएगी तो क्या होता है, आप लोग गलती ये कर रहे हो, खासकर मैं लेटर एंट्री वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि आप एक ही यूनिट में लगे होंगे बहुत दिनों से, आपको एक ही यूनिट में नहीं लगे रहना है, आपको क्वेश्चन वाइज पढ़ना है। अब तो आखिरी समय है, आपको पहले इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन कंप्लीट करो जो कि बहुत अच्छे से आएंगे, फिर अगले 10 पे टारगेट करो, फिर अगले 10 पे टारगेट करो। आपको हर यूनिट के पहले सरल सरल क्वेश्चन तो कर लो, तो मैं पहली यूनिट में मैंने आपको बता दिया हूं, ये वाली पहले डेफिनेशन पढ़ लो अच्छे से, फिर लोडिंग इफेक्ट पढ़ लो, एरर पढ़ लो, फिर कैलिब्रेशन कर्व पढ़ लो, इतना तो कर ही सकते हो ना। तो पहले आप इतने सब चीजें कर लो, इसके अलावा फिर आपको अगला जो टॉपिक रहेगा यूनिट सेकंड रहेगी, उसमें आपको क्या करना है, आपको डी आर्सनोवल गैल्वेनोमीटर के बारे में लिखना है। गुड इवनिंग। तो फिर इसके अलावा आपको पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखना है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, ये सब चीजें। इसके अलावा अगर हम बात करें अगली, अगर थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें, थर्ड यूनिट में सबसे पहली कैटेगरी में क्वेश्चन कौन से उठ के आते हैं, पहली कैटेगरी में क्वेश्चन आपके उठ के आ रहा है डिजिटल वोल्टमीटर, यूनिट थर्ड का पहली कैटेगरी में क्या, डिजिटल वोल्टमीटर। इसके बारे में, इसका डायग्राम क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होते है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसके बारे में तीन चार लाइन आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, और इसका डायग्राम, ठीक है। डिजिटल वोल्टमीटर के बारे में पढ़ना ही है। फिर इसमें एक क्वेश्चन आता है बी नंबर में लिख लो, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर सीटी और पीटी, पहले करंट ट्रांसफार्मर लिख लो, करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये कहां पर यूज होता है, इसके बारे में मैं कल डिटेल में टाइम रहेगा तो मैं बताऊंगा। करंट ट्रांसफार्मर ये पढ़ लेना अच्छे से। इसके अलावा आपको पढ़ना है क्या, इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पीटी बोलते हैं इसको, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और इनकी वर्किंग। फिर अगला क्वेश्चन आपका आएगा कौन सा, अगला क्वेश्चन आपका आएगा इलेक्ट्रोडायनामो टाइप वाटमीटर,
इलेक्ट्रो डायनामो डायनामो मीटर टाइप वाट मीटर। अब देखो एक तो आपको पीएमएमसी पढ़ना है, दूसरा डिजिटल वोल्ट मीटर और तीसरा क्या इलेक्ट्रो डायनामो टाइप वाट मीटर। ये क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है, इसमें कौन कौन सी एरर आती है, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, मेन बात पहले आप क्या करते जाओ, आप ये मत देखो कि मेरे को मेजरमेंट पूरा पढ़ना है, अभी आपको ये देखना है जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो आपको इनकी पांच पांच दस दस लाइन तो आनी चाहिए और इनके डायग्राम आने चाहिए। अब इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप वाटमीटर आएगा ही, आप इसका डायग्राम देख लो अच्छे से, दो तीन बार बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। डिजिटल वोल्टमीटर क्या होता है, इसका डायग्राम बना के देख लो, इसके एडवांटेज देख लो। इसके अलावा फिर आप क्या करो, एरर पढ़ लो, पीएमएमसी पढ़ लो। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने जैसे कि आठ में से पांच क्वेश्चन लिखने का आते हैं, पांच पांच दिन दस क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आएंगे टोटल, तो कम से कम अगर आपके छह सात सही के सही बैठ गए तो आप अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकते हैं और 20-22 पेपर पेज आराम से भर सकते हैं। क्योंकि आज बच्चों की बहुत हालत खराब हुई है, मैंने देखा हूं पेपर में लिख ही नहीं पा रहे, सिंगल सिस्टम समझ में ही नहीं आ रहा, तो क्या लिखें। गलती वो यही करते रहे कि पहले यूनिट में लगे रहे, बाकी की पीछे की यूनिट भी पढ़ के देखो, हो सकता है उसमें आपको आसान क्वेश्चन मिल जाए। फिर इसमें आपको क्या करना है, अगला थ्री वाट मीटर मेथड। तो वाट मीटर के बारे में लिख लो, पावर मेजरमेंट अपन कैसे करते हैं, पावर मेजरमेंट, पावर मेजरमेंट इसमें हम करते हैं, इसमें हम कैसे करते हैं, थ्री वाट मीटर से वाट मीटर मेथड, इसके अलावा सीटी से और पीटी से हम कैसे करते हैं, ये चीज देख लो। फिर अगली यूनिट से आपका क्वेश्चन क्या आएगा, इतने क्वेश्चन तो आपको यहां से करना ही है, इतने क्वेश्चन तो आपको यहां से करना ही करना है, कर लोगे कि नहीं यहां से। देखो फिर आपको करना है एनर्जी मीटर का कंस्ट्रक्शन, सिंगल फेज एंड थ्री फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर। ठीक है, सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर, थ्री फेज देख लो एनर्जी मीटर। ठीक है, कर लोगे। फिर इसी में आता है एक फैंटम लोडिंग, इसी में आएगा आपका फैंटम लोडिंग क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना एक दो लाइन। ठीक है, इतना कर लोगे कि नहीं। और इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको चौथे नंबर पे एक क्वेश्चन और रहेगा, वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर, वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। फिर अगला क्वेश्चन आएगा आपका सीरीज टाइप, सीरीज टाइप, सीरीज टाइप ओम मीटर। हम इसमें आप आगे भी लिख सकते हैं, हम सीरीज टाइप ओम मीटर को क्यों यूज करते हैं कंपेयर टू शंट टाइप ओम मीटर। बी एच कर्व तो फेवरेट क्वेश्चन है ही, आता ही बी ट्रिपल ई में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा बी एच कर्व। इस टाइप का बनता था, याद हो तो आपको ऐसे जाता था, याद आया कि नहीं, बी एच कर्व।
इसके अलावा पांचवी यूनिट से अगर हम बात करें, लियोड, इन पे शॉर्ट नोट थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लें, पांच पांच छह से लाइन, लियोड फिजर मेथड, फिजर मेथ स्क्वायर मेथड, इनके डायग्राम देख लें, डायग्राम क्या होते हैं, फिर है केल्विन डबल वेज, केल्विन केल्विन्स डबल ब्रिज, डबल ब्रिज मैक्सिमम मैक्सिमम डिमांड टेस्टर, डिमांड मीटर, ठीक है, ये अच्छे से कर लो। अब बताओ मुझे क्या दिक्कत आ रही तुम लोगों को, ठीक है, अभी तक जो बताया वो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, इतने क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं, कितने क्वेश्चन हो गए? जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगला आप लेक्चर रहेगा तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, देखो अब कुछ और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, इसके अलावा आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे वो देखो। आपको कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़ना है, ठीक, इसके अलावा आपको क्या क्या चीज देखना है, इसके अलावा आपको देखना है क्या, देखो जैसे सन ने भी कुछ पेपर भेजे हैं तो ओवरऑल मैं अगर देखो तो हर बार आपको यही क्वेश्चन, देखो इसमें भी अगर मैं इस पेपर का एनालिसिस करूं 2011 का, इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट दिया है जो कि मैंने आपको बता दिया, ये देखो रिपीट हुआ कि नहीं क्वेश्चन, एक मैंने बताया इसमें हिस्टासिस एंड लोडिंग इफेक्ट, देखो ये भी रिपीट हो गया। अभी न्यूमेरिकल के चक्कर में मत पढ़ना, अगर आपसे नहीं आते हैं तो पहले, अगर आपने नहीं किए हैं तो करे हो तो जरूर कर लो, नहीं कर रहे तो थ्योरी भी आपको इसमें बहुत कुछ मिलेगी, मैं बता दूंगा जो सरल न्यूमेरिकल होगा तो वो आप कहां से कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए आपको जो रेंज एक्सटेंशन करते हैं उसके लिए जरूर कर लेना, उसमें दो सेंट और सीरीज के लिए होता है, वो दो फार्मूले आप जो यूज होंगे वो जरूर कर लेना। जैसे सीरीज के लिए अगर सीरीज की रेंज बढ़ाना चाह रहे हैं तो क्या होता है, सीरीज के लिए एम माइनस वन, ठीक है, इसका मैं आपको पूरा जब कल ही डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है, अभी बीच में बात अधूरी हो जाएगी। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट मैंने बता दिया हूं, फिर आपको एक क्वेश्चन इसमें आपको एक और जैसे इसमें जुड़ गया है फ्लक्स मीटर, फ्लक्स मीटर जरूर कर लो, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप इसमें भी आया, देखो बार बार वो पीएमएमसी भी आया इसमें, ठीक है, इसमें आपको एक क्वेश्चन और बढ़ जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा आपको मेजरमेंट ऑफ पावर इन डीसी एंड एसी सर्किट, ये क्वेश्चन मैंने जब पढ़ाया था जब मैंने करवाया भी था, मेजरमेंट ऑफ पावर, मेजरमेंट ऑफ पावर इन डीसी एंड एसी सर्किट दोनों में,
ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्वेश्चन ट्राई वेक्टर, इसमें भी आया कैलिब्रेशन, आया कैलिब्रेशन स्टैंडर्डाइजेशन, लियोड फिशर मेथड बहुत बार आई है, ठीक है। बेस्डन, बेस्डन टाइप मैंने बताई दिया हूं, ये भी आया है। पावर फैक्टर मीटर, ये एक और कर लेना, फ्लक्स मीटर है, दूसरा पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर इनके ज्यादा नहीं है, आप क्या है इनके डायग्राम जरूर देख लो एक बार और चार पांच लाइन देख लो इसके बारे में, ठीक है। ज्यादा डिटेल में कोई भी क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल में जाना भी मत, क्योंकि आप याद भी नहीं रख पाओगे। आप उसका अच्छे से डायग्राम देख लो, पांच छह लाइन उसका तरीके से देख लो, उसके एडवांटेज देख लो, डिसएडवांटेज देख लो, उसकी वर्किंग देख लो, ठीक है। पैटर्न लगभग लगभग जो मैं इतना बताया हूं वही वही आप इंस्ट्रूमेंट अगर कर लेंगे तो आप अच्छे से इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैं बताया हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है। सागर सर ने कुछ क्वेश्चन भी सेंड करे हैं, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो। हर यूनिट से आपके चार पांच क्वेश्चन है तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक अपना एम आई टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एम आई टाइप इंस्ट्रूमेंट जरूर कर लो अच्छे से। एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। तो अभी आप पढ़ो, कल में कुछ क्वेश्चन इनका डिटेल में अपन कर लेंगे। तो थैंक यू, उम्मीद है कि सबको क्लास पसंद आई होगी और आप लोग ऐसे पढ़ते रहो, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो पेपर के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, और काफी जरूर भरें, काफी जरूर भर के यहाँ, ये नहीं कि आप काफी कुछ साथ बाद में देख रहा था, कुछ बच्चे पांच पांच छह छह पेज बस लिखे थे, तो अब जो काफी चेक करता है वो नंबर आपको कहाँ से देगा, नंबर देने के लिए भी जगह होनी चाहिए ना। है कि नहीं, तो यार इतना तो करके रखो।